सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय की जल्द आने वाली वेब सीरीज धारावी बैंक की लॉन्च पार्टी बीती रात हुई, जहां पर कई सितारे हुए शामिल। अच्छा रिस्पॉन्स है, फिंगर्स क्रॉस्ड इतना ही कहूँगा, यू नो ब्लेस्ड। सालों बाद एक अच्छा रोल जिसमें कुछ कर दिखाने का मौका था, तो एक्साइटेड हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि जो चीट मैंने ऑडियंस को पहले किया था, शायद गलत फिल्में कर जिसकी वजह से ख़राब फिल्में रही मेरी, कोशिश यही रहेगी कि अच्छे फिल्में और अच्छा कंटेंट के साथ जुड़ा रहूँ। आई थिंक क्रेडिट गोज टू सार्थक द राइटर, सिनिका डायलॉग राइटर, जो समित है, जिस तरीके से समित और उसके पूरे टीम ने इसको एग्जीक्यूट किया, एक मौका दिया कि एक अलग किरदार निभाओ। यू नो नायकन और दयावान से हमेशा मैं इंस्पायर्ड रहता था, क्योंकि मेरे दो फेवरेट एक्टर्स हैं, विनोद जी जो बहुत ही खास थे मेरे, और कमल सर भी। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि 10% भी उनके जितना कर पाऊँ तो आई थिंक आई वुड हैव अचीव्ड अ लॉट। एंड यू नो एक अलग, ऑफ कोर्स एक अलग फील है धारावी का, लेकिन एक्साइटिंग। प्यार बहुत है, प्यार बहुत ही है, लेकिन वो प्यार टिकट्स में कभी कन्वर्ट नहीं होता। टिकट्स में जब कन्वर्ट होता है तब आप बोल सकते हो कि हाँ यार, वाकई काम की भी तारीफ हो रही। इंसान की इंसान को प्यार मिलना वो अलग बात है। तो कोशिश इस बार तो यही रहेगी कि भले कम काम करूं, लेकिन अच्छा काम करूंगा और अच्छे लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। और आप ये देख रहे हैं, हमारे बॉलीवुड में भी यही देख रहे हैं आप, टिकटें अगर नहीं बिक रही है क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन दृश्यम जैसी अच्छी फिल्म आ गई और आप देखिए धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस में। यानी बॉलीवुड ही है, अच्छी फिल्में बनाएंगी तो ये होगा। अजय का ठहराव, जो अक्षय खन्ना, यू नो कमिंग बैक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, तब्बू, व्हाट मोर डू यू वांट, एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस। तो इट प्रूव्स वन थिंग कि कंटेंट इज किंग। देखना ज़रूर और कमेंट्स भी करना, क्योंकि क्या है, जब जेन्युइन कमेंट्स आते हैं कि अच्छा नहीं है, या आपने ये किया, या सुधार हो सकती है, तो हम सीख भी सकते हैं वहाँ से। लेकिन ये वादा है कि जो भी करूँगा रिस्पेक्टफुल करूँगा और अच्छा करूँगा। अब थलाइवा हो गया है, जहाँ भी जा रहा हूँ तो थलाइवा बोल रहे हैं लोग, और एक हफ्ते में अगर ये बोल रहे हैं, यानी वो कैरेक्टर का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा। और एक एक्टर वही चाहता है कि और प्यार ही है, थलाइवा अन्ना यानि बड़ा भाई, थलावा यानि मसीहा, और यू नो लोगों का प्यारा, लोगों जिसे लोग अपना मानते हैं। वो बहुत मज़ा आ रहा है, फैंस की तारीफ की भरमार है, तो खुशी होती है हर एक्टर को कि लोग खुश हैं। हम ये जो मेहनत करते हैं, जो किरदार निभाते हैं, अपने फैंस के लिए निभाते हैं,
खूब मेहनत करने के बाद जब अच्छा रिजल्ट आता है, फैंस खुश होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। कुछ क्रिटिक्स भी हैं जो बहुत अच्छा प्रेज़ मिला है, और हमारी जो एम एक्स प्लेयर की टीम है वो बहुत खुश है कि इतनी बड़ी व्यूअरशिप आई। एक टीम एफर्ट है, सब ने मिल के बहुत मेहनत की है, हर किरदार ने, चाहे उसके 50 मिनट हो या 5, जी जान डाल रखी है। समित कक्कड़ ने बहुत कमाल डायरेक्शन किया हुआ है। आई थिंक ये इस हार्डवर्क, इस पूरी टीम का एक एफर्ट का नतीजा है। शूट इस तरह से किया गया है, स्केल पे शूट किया गया है कि आपको लगेगा कि ये फिल्म है। बहुत ऑथेंटिक, बहुत रियल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कड़क स्क्रीन प्ले है। लेकिन मुझे खुशी है कि ये सीरीज़ बनी, क्योंकि सीरीज़ होने की वजह से हमें 400 मिनट खेलने को मिला, जयंत गावस्कर को एक तराशने को मिला, हर एपिसोड में कुछ नया अंदाज लाने को मिला, तो इसकी मुझे खुशी है। बड़ा जिम्मेदारी का काम था और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे डायरेक्टर समित कक्कड़ ने मेरी कास्टिंग की थी। हमें लगता है आसान है, कुछ फिल्मी एक्सप्रेशंस देके हम CM बन सकते हैं, ऐसा नहीं था। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स थे, पुलिस से भी लड़ना था, आम जनता से भी, मिनिस्टरों से भी लॉकिंग हॉर्न्स थे, और तलाइवन के पीछे पड़ी हूँ। तो ऐसी एक CM जो बियॉन्ड मैन और अ वुमन है, पावर हंग्री है, जनता के लिए काम करना चाहती है, लेकिन बड़ी चतुर है, ये पोर्ट्रे करने में कह नहीं सकती हूँ, बड़ा मज़ा आया। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी लगी थी और टेंशन बहुत था, और समित जो है मेरे डायरेक्टर, वो हर एक शॉट में अनसेड लाइन्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं। वो पर्सनल लाइफ का एक टेंशन और CM का टेंशन, ये दोनों एक साथ निभाना डिफ़िकल्ट था। मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म्स ये जो शोज़ लेके आ रहे हैं वो दर्शकों के लिए बहुत बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि अंधेरी का ईस्ट वेस्ट ब्रिज बंद हो गया। किसी को अगर फिल्म देखने जाना है तो मुंबई में ये सब प्लानिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको घर बैठे अच्छा मनोरंजन मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ये कहानी जो है वो लिखी गई है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें बहुत ही इंटेंस एक्टर्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि दर्शक हमारा शो देखें, 10 एपिसोड हैं, बहुत अच्छा अनरैवलिंग होता रहता है, हम फीडबैक के लिए बेकरार हैं।